चलिए ठीक है, बाजार है ना जी। सो जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। तो बहुत दिनों के बाद वो शुभ घड़ी आ ही गई है जब सरकार ने आदेश दे दिए हैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए। तो ऑफलाइन कोचिंग के लिए 10th की प्लस के पता ही होगा, 10 के बाद जो है हम लोग के क्लास फिर से ओपन उसी रास्ते पर उसी पटरी पर फिर आने वाली है। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करने के लिए आए हैं। आज किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई चर्चा करने नहीं आए हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास तो कुछ ना कुछ हम आपको करा के दिए ही, जितना हुआ हमसे प्रोवाइड किए ही ऑनलाइन क्लास। लेकिन जो अब आपकी शुभ घड़ी जो आ रही है ऑफलाइन क्लास की, उसमें आप देखेंगे कि क्या तजुर्बे होते हैं सब हमारे, क्या सभी टीचर के, जहाँ जहाँ से भी जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे ऑफलाइन के तो बात ही अलग है। इसलिए अब ऑफलाइन कोचिंग के लिए बहुत जल्दी आपको 10 के बाद 10 तारीख के बाद ही ऑफलाइन कोचिंग खुलने को देखने को मिलेगा मार्केट में। तब पता चलेगा कि क्या कैसे टीचर ऑफलाइन में क्या पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में तो पढ़ा ही दिए सब लोग। चलिए देखिए, आज जैसे कि कुछ मतलब स्टूडेंट थे जो हमसे नए नए जुड़े थे यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो वो एड्रेस के बारे में जिक्र कर रहे थे कि सर एड्रेस कहाँ है, बिहार शरीफ में किस जगह पे एड्रेस है यानी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का। तो उसी के बारे में जिक्र करेंगे कि ऑफलाइन मेरा सेंटर कहाँ पे है। तो चलिए पहले नंबर तो सेंटर का नाम आज जिक्र नहीं किए थे, लेकिन आज तक हम नहीं किए थे जिक्र, लेकिन आज कर रहे हैं। पहला नंबर कि मेरा सेंटर का नाम है जो आता है प्लेटफॉर्म 30 के नाम से है, प्लेटफॉर्म 30 के नाम से कंसेप्चुअल कोचिंग क्लासेज। इसमें आपको हर एक चीज़ को एक कॉन्सेप्ट वाइज और समझने की तरीके से, जैसे कि आपका एग्जाम प्रिपेयर करता है उस तरीके से हमेशा समझाने के प्रयास करते हैं। और प्योर कंसेप्चुअल मतलब ऐसा नहीं कि आज कोई ट्रिक व्रिक दे के समझा दिए या दो दिन के बाद ट्रिक में भुला गए तो पूरा मैथवे चौपट हो गया, तो वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। जो रहेगा सो एकदम कॉन्सेप्चुअल रहेगा। आज जो पढ़े हैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी दिमाग में रहेगा तो 10 साल के बाद भी अपना बालो बच्चा को बता दीजिएगा वो सब क्वेश्चन, ऐसा इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाएगा। अभी तक जो मेरा ऑफलाइन कोचिंग में चल रहा था, ऑफलाइन कोचिंग में मेरा जो चल रहा था मैथमेटिक्स चल रहा था, लेकिन ऑन द डिमांड्स यानी एवरी स्टूडेंट्स मतलब जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स जुड़े थे वो उनसे मेरा साइंस पढ़ना भी काफ़ी अच्छा लगा। साइंस पढ़ाने का तरीका उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए आज से हम मतलब जो ऑफलाइन सेंटर हमारा आएगा वो आपका साइंस स्पेशल लेके आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, मतलब साइंस स्पेशल। साइंस स्पेशल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अभी तक तो हम मैथ पढ़ा ही रहे थे, लेकिन अब जो आपका आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब साइंस स्पेशल, जो भी जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है एकदम कॉन्सेप्ट की जरिए से बताएंगे, कुछ इधर उधर करके नहीं बताएंगे, प्योर कॉन्सेप्ट रहेगा। इसलिए ज्वाइन जरूर करेंगे। अगर आप नवादा जिले से, नालंदा जिले से या जमुई जिले से होंगे, क्योंकि ये 3 जिले हमारे बहुत लोकप्रिय हैं, कहे कि बहुत सारे स्टूडेंट इस जिले ने हमको दिए हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप इस 3 जिले से होंगे तो जरूर ढूंढिएगा ये क्लास प्लेटफॉर्म 30 को। देखिए जैसे कि मैथ में तो आपको हम कॉमर्शियल और एडवांस पढ़ाते ही हैं, कॉमर्शियल एंड एडवांस तो हम पढ़ाते ही हैं, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाएंगे, ठीक है? क्या आवाज आ रही है ना, क्लियर? देखिए फिजिक्स में प्योर 10th लेवल रहेगा, 10th की जितने भी फिजिक्स में क्वेश्चन आती है 10th और प्लस एनसीईआरटी को कवर करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों में 10th और क्या एनसीईआरटी कवर करेंगे। और जो आगामी एग्जामों में क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं और क्वेश्चन बैंक्स को भी आपके सामने लाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मतलब मोटा मोटी समझिए कि एक कोचिंग में आपको मैथ और साइंस दोनों मस्ती मतलब पूरा क्या बोलते हैं एक के जगह पढ़े के मिले पड़ेगा। मतलब 30 नंबर इधर जोड़ लीजिए और 30 नंबर इधर जोड़ लीजिए, अगर जनरली एग्जाम की बात करें यानी एनटीपीसी और ग्रुप डी की बात करें तो 30 नंबर इधर जोड़ लीजिए, अब 10 से 15 नंबर आपका इधर पूछता है, तो 10 से 15 नंबर मतलब 30 अब 10 40 45 नंबर आप जोड़ लीजिए कि आपको एक कोचिंग से मिलने वाला है, ठीक है? एकदम कन्फर्म है 45 नंबर के है तो करीब करीब 40 नंबर जरूर मार्क्स कीजिएगा, इतना हम जानते हैं, मुझ पर विश्वास है। आप विश्वास रख के इस सेंटर में जरूर ज्वाइन कीजिएगा ऑफलाइन सेंटर में। एक इसमें क्या है
आपका ये एडवांस, इसका तो बातें अलग है, मैथ का तो बातें अलग है, लेकिन इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि प्योर कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा, एक एक चीज को अच्छे से व्याख्या करके। साइंस है क्या जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब वही सब साइंस है, तो बस उसी के जरिए आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे और ए टू जेड अच्छा से हंसते खेलते साइंस को समझ जाएंगे। इसका ड्यूरेशन मात्र रहेगा, हमको तो लगता है ना कि 4 से 5 महीना रखिए, मैक्सिमम 4 से 5 महीना रख दिए हैं। 4 से 5 महीना में आपका साइंस खत्म कर दिया जाएगा। अब ये मैथ की बात हुई तो ये मैथ तो आपका करीब करीब 8 से 10 मंथ जाएगा भाई, क्योंकि इसमें जो है हम जो भी SSC लेवल के जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसमें ये भी कराते हैं, कुछ अपना नोट्स हैं उस नोट से भी क्वेश्चन लाते हैं, अब कोई बुक को भी कवर करवाते हैं, तो इसमें 8-10 महीना तो सिलेबस आपका जाएगा ही, क्योंकि कॉमर्शियल एडवांस दोनों पढ़ाना है, तो इसमें तो आपका उतना टाइम जाएगा ही, उससे तो कम टाइम लगेगा ही नहीं, कहीं लगता भी नहीं है, लगेगा क्या हमसे, क्या कहीं नहीं लगता है, 8-10 महीना टीचर सब लोग ले ही लेते हैं। तो आप कहाँ भी पढ़े हैं, जहाँ भी पढ़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप एक बार जरूर ज्वाइन कीजिएगा प्लेटफॉर्म 30 को और देखिएगा कि किस तरीके से पढ़ाई और किस रंग से हंसते खेलते पढ़ाई हो जाता है। और एक बार वादे के साथ कहते हैं आपने इस कोचिंग को ज्वाइन कर लिया और मैथ साइंस हमसे पढ़ लिया, हमसे पढ़ लिए, आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ते हैं तो अच्छा नंबर लाने के कगार पर आप रहेंगे, समझ रहे हैं बातों को, अच्छा से अच्छा नंबर लाने की कगार पे रहेंगे, ठीक है। देखिए अब तो एड्रेस की बारे में अगर बात करें तो जैसे कि आप नाला रोड से आप जैसे ही जाते हैं, मछली मार्केट होते हुए जाते हैं ना, आप V2 मॉल को क्रॉस करते हुए, तो एक V2 मॉल से जस्ट कुछ आगे जब बढ़ते हैं तो एक क्या बोलता है उसको, एक हॉस्पिटल है, जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो जब उस गली में आप घुसेंगे तो खान GS रिसर्च सेंटर का वहाँ वहीं पे मेरे ही सेंटर के पास लाइव क्लास देते हैं वो सर, और उसी के बगल में मेरा सेंटर है, वहीं पे जो वहाँ पे सेंटर, वही एक बड़ा ही सेंटर है, मेरा ही सेंटर है वहाँ पे, एक बहुत बड़ा सेंटर है, तो उसी सेंटर में हम, मेरा वो सेंटर है जो कि प्लेटफॉर्म 30 के IC में गणेश पब्लिक स्कूल है, जो कि ये पूरे चीज़ को डायरेक्ट जो करते हैं उस चीज़ को, एक तरीके से वो डायरेक्टर हम लोग के डायरेक्टर हैं, रवि सर नाम है। जैसे कि रवि सर पिछले कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, करीब 10-15 साल से पढ़ाते आए हैं, कितना बच्चा को उसने निकाले हैं, तो वो 9th, 10th, 11th, 12th को पढ़ाते हैं, अब वो मेहर पर पढ़ाते हैं, बहुत काफ़ी रिजल्ट उनका रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, उनको हर एक कोई जानता है, हमें तो कुछ लोग नहीं जानते होंगे लेकिन उनको हर एक आदमी जानता है, तो उन्हीं के डायरेक्टिंग में ये सब आपका जो भी ये प्लेटफॉर्म 30 आया है उन्हीं के थ्रू आया है, ठीक है। तो आप जहाँ भी हैं, जहाँ से भी हैं, इस कोचिंग को ज्वाइन करेंगे, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, अब यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये आपका प्योर यानी बैंकिंग के लिए, SSC के लिए, CGL के लिए, CPO के लिए, CDS के लिए, ग्रुप डी, SSC GD जो आपकी आगामी एग्जाम आने वाली है, ये सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। ऊपर से प्लस में आपका जो SSC GD की जो एग्ज़ाम आ रही है, इसमें आपको हम स्पेशल SSC GD का स्पेशल बैच, जिसमें से आपको 25 नंबर जो पूछता है मैथ, 25 नंबर में से 23 से 24 नंबर जरूर ला दीजिएगा। इसके लिए हम स्पेशल बैच ला रहे हैं SSC GD के लिए, सिर्फ और मैथ, और हो सकता है रीजनिंग भी डालें, तो समझिए कि 24 दुनिया 48 नंबर 45 नंबर रखिए ना भाई, कि 45 नंबर आप एक कोचिंग से मैथ रीजनिंग में ले चलाएंगे। साइंस का हम सोचेंगे, साइंस के बारे में कि साइंस हम इसने GD वाले में बताएंगे ना, ऐसे तो मैथ रीजनिंग पक्का रखिए कि मैथ रीजनिंग हम SSC GD को कवर करवाएंगे, क्योंकि एक तरीके से ये बैच आपका 2 से 3 महीना ड्यूरेशन रखिए, कि 3 से 4 महीना का ये क्रैश कोर्स के माध्यम से हम इस SSC GD को कवर करवाएंगे। अब जब तक अगर आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं आता है तो उसमें भी ये सिलेबस जो है यानी सम्मिलित ही है, ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें सम्मिलित ही है, अगर वो भी होंगे, अगर हो सकता है 2-3 महीना और उसका डेट बढ़ा दे तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो दोनों का सेम ही आता है, दोनों का क्वेश्चन सेम ही आता है, चाहे GD का हो चाहे ग्रुप डी का हो, लेवल देखेंगे तो उतना ही अलग रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो लेवल इस बार CHSL भी गिरा दिया, CHSL का भी लेवल देखे होंगे तो पता चल गया होगा कि मैथ का भी लेवल क्या रहा है। अब CGL मेंस की बात करेंगे तो उस सब का लेवल की बात ही अलग है। तो मेरा जो है स्पेशल बैच आपका SSC का आता है, CGL का आता है, जिसमें मेंस एवं प्री दोनों के लिए क्लियर करवाते हैं, तो आप जरूर ज्वाइन करेंगे एक अच्छे तरीके से। एक कई एग्जामों में पिछले गत में जितने भी एग्जाम पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को आपके सामने करवाते हैं, नोट्स में मेरे अपना नोट्स प्लेटफॉर्म 30 के नाम
नाम से है, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन है कि जो लड़का क्वेश्चन देखे होंगे, जो भी स्टूडेंट्स मेरे होंगे वो कि देखे होंगे मेरे नोट्स को, तो उनको पता होगा कि उसमें लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का। लेवल देख लीजिएगा क्या लेवल रहता है, अरे पूरा जीरो टू हाई रहता है। एक बार उस लेवल को, नोट्स को जीरो से हाई पढ़नी है ना, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसको चिरफाड़ के नहीं आएंगे, टोटल एग्जाम को निकाल देंगे। समझ रहे हैं बातों को? मैथ और साइंस में सर रिजल्ट रुकेगा ही नहीं, ये तो हम दावे के साथ करते हैं। ये साइंस भी रहेगा एकदम बवाल रहेगा, इसलिए बोल रहे हैं कि आप जो है पक्का ज्वाइन करेंगे। आप अगर क्या बोलते हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को आज तक जिक्र नहीं किया था, लेकिन अब करते हैं कि आप अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब मेरा बैचेज आएंगे तो उसके आने जो है मेरे थ्रू बोला गया, मतलब कब मेरा बैच आ रहा है, हो सकता है बतावे बैच के बारे में ऑनलाइन थोड़ा सा कर ही देंगे, कौन बड़ी बात है, तो ऑनलाइन भाई आके बता देंगे, तो उससे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा बैच कब आने वाला है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और ये जो आपको जो भी कुछ बताए हैं, जो मेरे अपने दोस्त मित्र साथी एवं स्टूडेंट्स होंगे, जो भी कुछ मेरे सेंटर के बारे में अभी बताए हैं, जिक्र किए हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, मेरे आप लोग पे भरोसा है। दिल खोल के जिसको भी चाहें, सच्चा दिल से चाहें, तभी वो हासिल होंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि जो भी आप सुने बढ़िया, अगर दिल से सुने हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, चाहे फेसबुक से आप माध्यम से देख रहे हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो, प्लीज़ भाई मेरे जो अपने हैं वो तो जरूर शेयर करें, और जो भी आपके रिलेटेड में जो भी यानी स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो भी हैं उनको बताने का प्रयास करें, ठीक है। सारा बैच न्यू रहेगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सारा बैच न्यू रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसी वाणी के साथ करते हैं आज का इंट्रोडक्शन के बारे में, जो भी हम अपना परिचय दिए आज का क्लास के इतना ही तक समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद।